2019 के लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की सियासी नब्ज टटोलने और बीजेपी के लिए जमीन तैयार करने के लिए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत लखनऊ पहुंचे। वह लखनऊ एयरपोर्ट से सीधे कानपुर पहुंचेंगे, जहां 23 तारीख से 30 जनवरी तक वह नारायणा इंस्टीट्यूट में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ पदाधिकारियों और प्रचारकों के साथ बैठक करेंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं। अब वह लखनऊ एयरपोर्ट से कानपुर के लिए रवाना होंगे, जहां आरएसएस प्रचारकों के साथ उनकी 7 दिन तक लगातार एक महत्वपूर्ण मीटिंग होने वाली है। और 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले मोहन भागवत का यह दौरा अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बीजेपी के लिए वह न सिर्फ सियासी जमीन तैयार करने का काम करेंगे, बल्कि लोकसभा चुनाव 2019 से पहले यूपी की पूरी नब्ज टटोलने का भी काम मोहन भागवत अपने इस महत्वपूर्ण दौरे के अंतर्गत करने वाले हैं। धीरज त्रिपाठी, ईटीवी लखनऊ।